3863 श्री राहुल गुप्ता है ना, कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है बताओ जरा, कैसे कैसे हो रहा है? इधर जो है इधर लेफ्ट, हाँ इधर भी थोड़ा सा गर्म सा लगता है। अच्छा, और सर थोड़ा एक्चुअली सर थोड़ा डिप्रेशन मतलब ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दिक्कत थोड़ी सी है लेकिन उसकी वजह से ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इसी दिक्कत के कारण हो रही है ना ओवरथिंकिंग। हाँ अच्छा, और इसके अलावा टांग में भी कुछ बता रहे थे आप? हाँ सर, मतलब पैरों का भी गर्म सा लगता है और इधर भी कभी गर्म गर्म सा लगता है, दोनों पैरों में गर्म गर्म लगता है। हाँ तो मेन कंप्लेंट आपकी वो लेफ्ट चेस्ट और लेफ्ट नेक की वाली है ना? हाँ सर। ये कब से है आपको? सर एक्चुअली क्या हुआ, पूरी स्टोरी तो ये सर अप्रैल में हुए, मेरे ताई दाऊजी गुजर गए थे। अच्छा। तो उसके चक्कर में बहुत टेंशन में आ गया था, उसके बाद मैं वो घुटन सी हो रही थी, डॉक्टर के पास गया, सब कुछ सही था ऑक्सीजन लेवल, उसके बाद उसने सोने के मतलब सुस्त करने की दवाई कुछ दे दी थी बेहोशी वाली, मतलब उसके बाद से सर पता नहीं ये क्या हुआ, या तो कुछ दवाई का या तो कुछ नशा हो गया। दवाई दवाई का, ठीक है, डिप्रेशन की दवाई उन्होंने दे दिया सर। अब उसने जड़ से निकाला नहीं, जो भी मतलब टेंशन तो निकली नहीं वो। उसके बाद सर मैं फिर अभी पिछले हफ्ते दोबारा गया किसी दूसरे डॉक्टर के पास जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, फिर उन्होंने भी मुझे कोई मतलब कि भाई टेंशन ले रहा है ऐसा कुछ करके उन्होंने देखा, तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा प्लेटलेट्स कम आया टेंशन की वजह से, मतलब 1.3 लाख था, ज़्यादा कम भी नहीं था। उन्होंने सब करा लिया, एक्सरे करा लिया, CRP, CRC, CBC करा लिया, सब नॉर्मल आया। उसके नेक्स्ट वीक सर फिर मतलब उस दिन BP नहीं था मुझे, BP उससे पहले कभी प्रॉब्लम भी नहीं रही BP की मुझे कभी ज़िंदगी में, लेकिन अभी मैं पिछले हफ्ते जब मैं दोबारा गया तो मैंने दोबारा बोला तो उन्होंने ECG कराया, तो ECG तो नॉर्मल बता रहे थे वो, मेरे पे है भी एक्चुअली। लेकिन ऐसे लोग वर्षों मेडिसिन खाते रहते हैं, तकलीफ थी आपको यहाँ दर्द और डॉक्टर क्या दे रहे, डिप्रेशन की दवाई, डिप्रेशन की दे रहे है ना, कितनी गोली खा रहे हो? सुबह 8-10 गोलियां। अच्छा, आओ बैठो। 8-10 गोलियां लगातार ये खा रहे हैं है ना? हाँ सर। क्या बात है, और ये सारा हाल बेहाल हो रखा है। अच्छा, इनकी गर्दन भी देखो, नॉर्मल गर्दन नहीं है, आप देख रहे हैं, मतलब ये गर्दन चौड़ी है, बहुत चौड़ी है। जब मेरा हाथ यहाँ गया है, सुजन टाइप की, हाँ जब मेरा हाथ यहाँ गया मैंने कहा यार ये तो कुछ मामला कुछ और ही है। ये यहाँ दर्द है ना, है ना? चलो ऐसे करो बस, गिला छोड़ो। क्या नाम है? राहुल नाम है, आगरा से है ये। वही बोलने से ढीला भी हो जाता है शरीर। अच्छा भाई, गर्दन नीचे करो, शाबाश। ढीला छोड़ो, बस हो गया काम। और खड़े ना, ऐसे ग्रिप करके पकड़ो गर्दन को, ऐसे, हाँ पकड़ो, शाबाश। हाथों को आगे ले जाओ, नीचे ले जाओ, और हाँ नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओ, और नीचे, बस छोड़ो। रुक जाओ, जरा चेक करो ना, बस रुको, इधर मेरे हाथ की चुभन और इधर मेरे हाथ की चुभन, इधर ही ज्यादा है ना, बैठो। चल सांस लेना, छोड़ो आराम से, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, ये देखिए कैसे कर रहे हैं, सांस लो छोड़ो। केवल लेफ्ट साइड से इनका एसिड बढ़ा है, केवल लेफ्ट साइड इनका एसिड बैलेंस कर रहा हूं, छोड़ो, हाँ सांस लो छोड़ो, तो बहुत टाइट होता है भाई, हैं?
बहुत ऐसा लग रहा है पहलवान ही कभी मतलब बहुत टेंशन पा रखी है मुझे लगता है दवाइयां खा खा के टेंशन ज्यादा आई है इनको हैं क्या क्या हार्ट का टेस्ट हुआ नहीं वहाँ ईसीजी हुआ था ईसीजी भी हो गया ईसीजी करा दिया उन्होंने और सर मतलब ईसीजी ब्लड प्रेशर और क्या कहते हैं एक्सरे करवाया था हाँ एक डी डायमर टेस्ट कराया था ब्लड डी डायमर भी करा लिया क्या बात है क्या बात इको भी हुआ होगा इको भी हो गया बोल रहे थे लास्ट मैसेज तो बोला कि तुम टेंशन ले रहे हो लो चला पढ़ जा चल के दिखाओ सीधा से लड़ी पीछे कैसा लग रहा है हैं जो भारीपन था टेंशन थी स्ट्रेस था नहीं लग रहा तुमको अब नहीं लग रहा या ऐसे बोल रहा नहीं तो नहीं लग रहा पक्का चलो उठा बड़े लगा दिखाओ चलो आप ऐसा ही कुछ सोच रहे थे हैं यही सोच रहा था क्या सोच रहे थे आप मेरी भी कमर फूट जाए मैं भी ठीक हो जाए मेन ठीक हो गई मेरी भी कमर टूट जाए क्या मैं भी ठीक हाथ में क्या हो गया नहीं ये हाथ इनका बाई बर्थ है बाई बर्थ है नहीं वो बाई बर्थ है बाई बर्थ है वो उनको प्रॉब्लम है ये नाइस जी अच्छा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं ये तकलीफ का बताओ कैसी है वो दिक्कत नहीं लग रही अब दिक्कत नहीं लग रही हार्ट नॉर्मल हो गया ढूंढ के देखो कहां दर्द ये गुरुजी हमारे कर दो यही मैं देखता है ना इसमें उसमें मैं इंप्रेस हुआ कि मैं मिसेज को बोल गया कि मैं 100% मान लियो ओके वो तो पक्का वो तो आप तो 120 हो गया ये फोड़ देने और मैं बच्चों को बोलूं उनको समझ पड़ा देने मैं भी आपकी दुआ से थोड़ा बहुत काम करता हूं अच्छा लेकिन ये क्या है ये घुटने उठने थोड़ा बहुत कर लेता हूं अच्छा हां लेकिन ये कमर का मेरे से ओके अपने आप की अपनी नहीं कर पाता हूं बाकी दूसरे लोगों को कर देता हूं सही बात है तो बाजू घुमा के देख लो जहाँ दर्द था कुछ भी ऐसे टाइम आए जो तकलीफ हाथ पकड़ लो दोनों जब तुम स्ट्रेस फील कर रहे थे टेंशन फील कर रहे थे आप कुछ फील कर रहे हैं या लाइट हो गया शरीर लाइट हो गया ना कितने समय से दुखी थे कितने टाइम से दुखी थे अप्रैल की लास्ट से मई के स्टार्टिंग अप्रैल से और कितने महीने से गोलियां खा रहे हो डॉक्टर को कितने डॉक्टर को दिखा लिया दो डॉक्टर को दिखा लिया दो बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया और सब दिमाग की दवाई दे रहे हैं सुला रहे हो एक ने तो पूरी नींद की दवाई दे रही थी जो जो नॉर्मल मेडिसिन का लेने जाओगे तो आप देगा ही नहीं वो नॉर्मल डॉक्टर रेफर करके तभी देगा और एक ने और माइंड को रिलैक्स करने की और एंटीबायोटिक्स और सब क्या करते हैं प्रोफेशनली आप इंजीनियर है मतलब ये एजुकेटेड व्यक्ति है एक घटना घटी जिसके कारण मन में थोड़ा तनाव आया चिंता आया है ना और गलत पोस्चर के कारण से रहने से ये दर्द आ गया मैं जैसे ही इनको चेक किया अभी यहाँ देखने के बाद ये जगह था यहाँ इनको दर्द आ रहा था ये जो दर्द आ रहा था यही दर्द मुझे पता चल गया कि इनका समाधान मेरे पास चुटकियों में अत्यंत इनका खड़े जाकर बैठ तो यार तेरे को ठीक करता होगी लेकिन इनको अभी लगभग 8 से 10 दिन थेरेपी लेनी होगी कारण क्या है जो दवाइयां अभी खा रहे हैं वो एकदम ये दवाई नहीं छोड़ सकते और अगर छोड़ेंगे तो दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण से इनका मानसिक असंतुलन बिगड़ जाएगा दवाइयां ग्रेजुअली छोड़नी पड़ेंगी और उनका जो साइड इफेक्ट है उस साइड इफेक्ट को मैं ट्रीटमेंट देते देते उसको निकालूंगा तब लेंट डाला ना तो लेंट डालने के लिए जो बल्लियां निकालनी है वो एकदम नहीं निकाल सकते अगर बल्लियां एकदम निकाल लेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी है ना तो 10 दिन थेरेपी लें और सावधानी रहें है ना अब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को बोलो आगे से आके ले लो तो मैं बहुत दिनों से अपने इधर लेफ्ट में चेस्ट में पेन हो रहा था बहुत दिनों से परेशान था एक बार इसको अच्छा ठीक है और मतलब मेरा एक फ्रेंड है मतलब वो भी इंजीनियर है उन्होंने मुझे कहाँ पर इंजीनियर हो सर वो
कंपनी तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे पीजी में रहते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे सर का नाम रेफर किया, उन्होंने भी अपना कुछ बैक पेन वगैरह सर से ठीक कराया था, उन्होंने मुझे सर का नाम रेफर किया और मैं इसलिए इधर आया, और मुझे भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना इलाज करा के, जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई नस वस खिंची हुई है, खिंच गई है अंदर से, और मतलब जो मैं मेरे को एलोपैथी से मतलब जो मैं सोल्यूशन चाहता था वो नहीं मिल पा रहा था, आज मतलब मिला, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बहुत, मतलब पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो मैं तनाव झेल रहा था वो तनाव भी बहुत कम लग रहा है। कंधा बार बार इसीलिए हिला के देख रहे कि क्या सच में वो है या नहीं है, है ना? बार बार मतलब क्या है, बार बार आदमी को इतना इरिटेट हो चुका होता है फिर वो महसूस करता है कि सच में यार वो कहीं दोबारा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा गया। हाथ जो है बार बार यही चलता है। तो ऐसे लोग जिनको कंधा दर्द है और डॉक्टर जिनको स्ट्रेस और डिप्रेशन की दवाइयां खिला रहे हैं, उन्हें कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और खासकर युवक, किसी युवक को स्ट्रेस और डिप्रेशन की दवाई खाने का कारण क्या बनता है? जिसने अभी जिंदगी को जीना है, दवाई खाकर तो जिंदगी सो गई, सारे अरमानों में पानी फिर गया, एजुकेशन तबाह हो गई। ऐसे में ये स्थान इन लोगों के लिए आशा की किरण नहीं, जीवन के लिए एक वरदान हो जाता है। और यही हमारी खुशी है, यही हमारा आनंद है कि जब राहुल जी जैसे लोग आकर अच्छे होकर जाते हैं, है ना? थैंक यू बोल दो। थैंक यू।